मुझे दोस्तों सब का पहली इंटरनेशनल सिंधु चेंबर ऑफ कॉमर्स जे बानीकारन और जे मेंबर्स के नए साल जो वादाई उनसा गडो गड मुखे बेहद खुशी थी है तो ही व्यापारी मंडल जे पर जे भा सिंधी में ट्रांसलेट कर बुदायो उन में व्यापार जे वाधारे लाए या व्यापार जे प्रॉब्लम्स के सुलझाने लाए या दुनिया सा कदम में कदम मिलाए हलन लाए जो को इन मंच ठायो है वो तो पैंदे जगह ते तमाम सठो है पर उनसा गड जको पैंदे जातीय ला हनन जो हुब है प्यार है हर साल जेके हु असन जे सिंधी समाज मा रत्न गोलन था जिनके अवार्ड जन था गौरव पुरस्कार सचपच उनते सभी सिंधी जातीय के फखर आए एको लारो जबरदस्त उनन जो कम है उनके से आफरीन दियौ था तहां सा मजे दोस्तों जेकने इन संसार में असा इंसान जे तरफ दिसौ था त हर इंसान के पैने जीवन जे तरफ एक अलग-अलग नजरियो है के इंसान पैंजे जीवन सदी समूरी पैंजे कुटुंब परिवार पैंजे बारन बचन में खर्च कन था उनन दे लाए समूरी कायनात ही उनन जो कुटुंब है के अड़ा शख्स हैं जिनके धंधे व्यापार में ढुकू पैन जान छलांगू लगाए करे इंडस्ट्रीज में धंधे व्यापार में नालो कमाणो है दुनिया में पैंजो रुतबो कायम करणो है के अड़ा शख्स हैं जिनके पैंजो नालो कमाणो है पैंजी शोहरत कमाणी है वो दुनिया में मशहूर थन चाहन था उन्हें वो पैंजा पैंजा कार्य कन था बया अड़ा भी शख्स हैं जेके प्रभु के पाण ला उन मालिक के पाण ला उन जी जस्तजू में सजी जिंदगी खर्च कर सकन था मंदिर टिकाणा मरियो उन जे चावट जी मट्टी खणी पैंजे मस्तक के लगाइन था पर इनन का अलावा बया भी अड़ा के शख्स हैं जैमे मां बुधान चाहिंदुस उन्हन शख्सन मां अज असन जे विच में जेके तवी हानर करे रहे हो इज्जत फ्लाइट करो था और नके सम्मान नो था मिस्टर राम बख्शानी साहब असन जे विच में आए मिस्टर बख्शानी साहब पेंदे घर परिवार जी पर गोर लहंदे धंधे व्यापार में बुलंदी मानींदे पेंदे आर्थिक पेंदे तजावत जे उन मैदान में तो तमाम वडो नालो कमायो आहे पेंदी इज्जत मान मर्तबो पेंदी साख न सिर्फ सिंधन ताई पर पूरे विश्व ते उन जी फैलल आहे हुन जो रूहानत के तरफ भी वास्तो रहो है रूहानत के मैदान में भी रूहानत के राह में भी उन जो चाव है साईं जी बंदगी में भी उन जी इबादत में भी उन जो अकीदो है पर सब का वो अकीदो जो मुख्य लगन है तो हुन के पैंदी बोली है पैंदी सिंधियत लाए सिंधियत लाए सचपच उन के जुनून है सिंधियत लाए मुखे ये महसूस थींदा तो न पाण के वागे छो है सिंध का बड़ौदा बड़ौदा का दुबई पहुंचंदे दुबई जदे निकतो तो मां समझो तो ने दिल में आत्मविश्वास हो एक उम्मीद हुई तो मां कहन के सुची मंजिल ते पहुंचंदस ए भावरो उम्मीद जे जंक्शन ताई कामयाबी जी सफर जी शुरुआत थे जी पई ए ही उन सफर में कामयाब थिया ओहा दुबई जते पानी राशन ते मिलंदो हो ओहा दुबई जते लाइट जो प्रॉब्लम हो ओहा दुबई जते मानो वेदा ते सजो बदन आरायन सा भरजी अंदो न कोई साधन को ना उते हन के इन गाल जो फखर हो तो मां इते पहुंचो आया ए मां कोशिश करे कामयाब थींदस हन के इन गाल जो भी जान हुई जो को मुन इंटरव्यू में मोहन का जने ये सवाल पूछा तो सक्सेस ला कोई एलिवेटर को नहीं कोई लिफ्ट को नहीं जगह मथे वठी आंदी सक्सेस में स्टेप बाय स्टेप मथे वणो ए जितरा दुख इंदा ओतरी मानु पची तैयार थिनो जितनी रात संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी जकने रात कारी बात आए तो सुबह यकीनन प्रभात यकीनन न सांझी सुनी तीन दिन सांझी मदर तीन दिन सो इन्ह शख्स के अजय तमावट नहीं करे सच पर सिंधी समाज जो के प्रो मृत्यु वधायो है इज्जत वधाया है मुख्यतः ये लगता है कदे कदे तो जेकदे सांझी सच पंजाब लखन की आबादी है पूरे देश में सिंध की हिंदुस्तान में पाकिस्तान की गाल न था क्यों तो राम बख्शाणी जड़ा जगह बसव मानू बया जुनूनी अची वन तो सिंधी समाज जो नक्श चैन थी वो मां समझा तो असांजे अंदर मां वो भरम वो डप निकरी अंदर तो सिंधी बोली कायम मरंदी सिंधी बोली मरंदी कड़ा मानो असा के खपन तो उनके तमा अवार्ड न आए या असांजे ला भी खुशी है अवार्ड के भी करो उन जो भी रुतबो है बे मुदा दोस्तों अचो तो असा उन जी राह ते हली करे सिद्धत ला कुछ कार्य कयो सब का पहली सवाल पाण का पूछण ते तो असा बारन के चौंदा सिंधी में गालाओ सिद्धत के बचायो पर पहली ऐसा पाना का पूछो तो छा असन जी जका प्राचीन
सभ्यता है, संस्कृति है, जैसे असि चाहूँ था तो यह संस्कृति या तहजीब जेका है दुनिया के असा राह दिखारी वर्सो जो असा वो मिलो अस सही ढंग से बार दिनों जो दिनों ही ना तो अस उन्होंने इल्जाम छो जो तो सिंधी ना ओ या सिंधियत के ना बचाओ जहाँ शे मिली ना वो अच्छा संभाली ना तो अचो तो पे फर्ज अस यो चालू क्यों यो निभायूं तो पहले बारन के बुधायूं तो असांजी अवायली असांजी प्राचीन सभ्यता केतरी महान आहे असा कहे सभ्यता जा मालिक आयूं असा कहीं सभ्यता जा वारिस आयूं हर पीढ़ी हुआ भी जेका भी उन्हें वजन वटा सभ्यता जो खजानो मिलंदा ईंदड़ पीढ़ी के उनमें कुछ इजाफो करनी आ कुछ खर्च करनी आ वो नहीं वेंदी आ उनके तो वो अगया वधंदा तो असा जे तरफा सबना तो असा इन में पोते पियायूं असा के वो बारन के जान गुर्जे तो सिंधियत आए छा सिंधियत असो खाधो है सिंधियत असि पहनावा है सिंधियत असि अकीदो है परमात्मा की भक्ति है दिणवार है उथी वेठी है सब सिंधियत जहाँ कई पहलू हैं यह सिंधियत का एक डी में नही है इन में सदियों लगन असन जो असो बुजुर्गन जो असो मुफकर अकलमंद उन सभी जो इन में योगदान है जैमें उन्होंने अकुल है इल्म है अनुभव जो निचोड़ है असि सिंधियता तो वह सही ढंग से असे बार पहुंचाई बो अज जो जै हालत में अस हिंदुस्तान में आयो अलग अलग प्रांत में रहूँ था हर प्रांत के स्कूल में कॉलेज में पहो इतिहास पढ़ाया वाले तो बार पंजाब में पंजाब जो इतिहास महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जो इतिहास पढ़ाया वो सिंधन जो किथे है इतिहास वो इतिहास बार विसरी वो असो जो प्राचीन सभ्यता है जो असि देन है वह विसरी वी उनके पढ़ाई नी वे पी वो जो भगत सिंह के जानन था तो उनका हेमू कालानी की कहीं खबर को मान तो समझा नंढन बार खबर होंगी तो हेमू कालानी जो योगदान भी जो है वह भगत सिंह का घट को जो भांगड़ा दिसन था उनमें रुचि वन था तो असि भगत किथे आए जैसे संत कंवर राम एक मोल बार के भी जीरो एतो तासीर है उनके भगत में जैसे अस उनके गुजरात में दिसन था तो उन्होंने डांडिया रास है अस छेज है झूमर है जेस तीन कि अस उनके न बुधाइंदा तो उतने जैसे अस बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर है अस शाह सचल स्वामी सचपच टैगोर शेक्सपियर का भी उनको मयार वो है तो असो ये फर्ज थे तो इो इतिहास जैसे सरकारी तरह से या कें स्कूल में नो पढ़ाया वे तो असाजा जो एन जी ओस असन तरह ज अदारा है उन्होंने फर्ज थे तो स्टेज से आने करे कें भी डांस ड्रामा के मार्फत संगीत के मार्फत उन्हें गाल वाकुफ करें। थैंक यू।